वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में ऐसा क्या है कि राणा तनवीर साहब सब कुछ छोड़कर दोबारा इस मिनिस्ट्री में आ गए और मेंबरान को भी धमकी देते हुए नज़र आते हैं कि आप चुप करो, बिल पास होने दें। ये हालात तो पहले तो शायद लाजमीन तक होती थी, अब तो कमेटियों में भी ये बात चलती हुई नज़र आती है। इससे पहले आपने देखा कि उनके अंडर जितने भी कॉन्सर्ट्स के हवाले से अगर आप बात करें, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम पर अरबों रुपये का स्कैंडल मौजूद है अभी तक। आप जानते हैं आवाम सरापा एहतजाज है, वो पेरेंट्स सरापा एहतजाज हैं जिन्होंने अरबों रुपए दिए हैं। 15 से ज़ायद खुफिया अकाउंट NTS के पकड़े गए हैं और हारून साहब जो जुनेद जैदी साहब हैं वो भी राणा जो तनवीर साहब हैं इनके हाथों के लोग हैं। और फिर इस मिनिस्ट इस साइंस टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या बात है और मैक्सिमम लोग इनके हल्के से वो कैसे बरती हो रहे हैं और NTS जो है वो उस पर फोकस क्यों कर रहे हैं कि NTS ही जनाब ये करेगी और NTS को इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरीके से मोनोपोली उसकी बना दी और चेयरमैन कमेटी भी ये कहते हुए नजर आए कि NTS का स्कैंडल अगर खत्म ना हुआ तो हम NTS को बंद कर देंगे, बैन कर देंगे और इसकी मोनोपोली तोड़ने के लिए हमें फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो सरकारी इदारे हैं उन पर सवालिया निशान उठना शुरू हो गया। FPSC का क्या मकसद था, PPSC का क्या मकसद था अगर NTS ने सब कुछ करना है और इस्टेब्लिशमेंट इसमें हम देख रहे हैं कि वो भी शायद इसके पीछे रही है कि ये कैसे ये तमाम इदारे जो है वो NTS के पास आ गए। और NTS का अपना CEO जाली डिग्री लेके वो घूमता रहा है, अपने कई लोग जाली डिग्री की वजह से फारग हो गए। तो मेरे साथ क्योंकि मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस शाहजहान मुनीर बांगरियो, मेंबर नेशनल असम्बली भी है, नेशनल पीपल्स पार्टी से इनका तल्लक भी है, इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून की। और हमारी जैसे आलिया कामरान से भी बात हुई, उनका भी कहना ये था कि राणा तनवीर शाह ऐसे बात कर रहे थे शायद वो किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हो, तुम चुप कर जो चुप। ये जो एटीट्यूड है स्पेशली पार्लियामेंट जो के मेंबर्स हैं उनके साथ भी अगर ऐसा रहेगा तो फिर क्या इसका जो है वो जवाब बनता है। चेयरमैन अच्छी सी हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। चेयरमैन साहब, हम बात कर रहे हैं कि एक तो NTS का स्कैंडल आप जानते हैं, आपने भी इस पर बात की और शायद सबकी कोशिश ये है कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और NTS जैसे कि वहाँ पर सोल्यूशन की बात हो रही थी तो कहा जा रहा था कि इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए बजाय इसके कि मज़ीद जो है वो एजुकेशन के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है। कॉन्सर्ट्स की बात की जाए यूनिवर्सिटी की तो उसके बिल पे बहुत से इतराज़ात थे, उसके अलावा कुछ मुलाजमीन को निकाला गया। तो क्या कहेंगे ये एजुकेशन सेक्टर में और यूनिवर्सिटी बनाने की हद तक मैं देख रहा हूँ कि कुछ असातिज़ा ने भी बात की कि एक तो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम पहले से जो है मौजूद है जिसपे सवालात उठ रहे हैं उसका पहले सोल्यूशन उसकी होनी चाहिए। FBR में मनी लॉन्ड्रिंग केस कोर्ट में मौजूद है उसकी सोल्यूशन पहले होनी चाहिए, NTS के मसाइल पहले ख़त्म होने चाहिए फिर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए और मुतलका जो पहले से मुलाजमीन को निकाल दिया गया है अगर उनको उनका मुस्तकबल जानने बगैर ही आप यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं और उसमें जो TTS फैकल्टी और बहुत सी सवालात मेरे पास मौजूद थे, वक्त कम है लेकिन मुझे बताइएगा क्या सोल्यूशन, किस तरफ आप जा रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा अमल ही डिफर करूंगा। देखें सजा और सजा का अमल तो होना चाहिए, मैंने भी ये बात की थी उस मीटिंग में। ठीक है, इशू ये है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा धारा, एक अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत अच्छे पाकिस्तान के अंदर एक आला तालीम के अंदर एक अच्छा धारा बन गया। उसने जब अच्छा काम हुआ तो उनकी रिकग्निशन भी हुई गवर्नमेंट ने बहुत से ज्यादा। मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट वाहिद अदारा होगा जिसकी फैकल्टी को और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को मैक्सिमम सिविल अवार्ड मिले हैं, उस पर सतारा इम्तियाज हो या लाल इम्तियाज हो या निशाने और दूसरे जितने भी इस तरह के प्रेजिडेंशियल अवार्ड होते हैं मेजर दो जो वो तो जरूर मिले हैं। उसमें डॉक्टर हारून साहब को भी एक मिला था ना, मैं सुन रहे तो नहीं ना। अब इंसान किसी एक अमल पे या किसी एक चफेल पे आप किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते। अगर कोई बुरी चीज हुई है तो आपको पता है कि हमने साइन लिया, ड्यूल डिग्री हो, NTS हो। मैंने खुद HEC ने इसको रेज किया और उनके बोर्ड में लेके गए। कल भी मैंने उस मीटिंग में कहा कि मैंने दरवाना था, फिर उन्होंने चार सर आए तो सबसे पहले उनको ऑन बोर्ड किया और उन्होंने एक्शन लिया इस पर। ठीक है, मैं समझता हूँ दो तीन डिफरेंट चीजों को सेपरेट करके देखना चाहिए। जहां तक NTS का इशू है, फाइनेंशियल मसाइल आए हैं, करप्शन हुई है, जो भी हुआ है उसको बिल्कुल देखना चाहिए। और मैंने जिस तरह कहा था ये कॉन्सेप्ट की जिम्मेदारी है, क्यों वेट कर रहे हैं कि न्याय या बाकी इदारे आगे आए और वो फैसले करें। इनको खुद इस पर एक्शन लेना चाहिए और बाकायदा जिन्होंने अगर गलती की है तो उसको सजा देनी चाहिए। दूसरी चीज जहां तक है कि इसका जो ऑर्डिनेंस है वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उससे इसका कोई तल्लक नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ये पीपल ऑफ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है
और इसको हमने लेके आगे चलना है और इसकी आगे बढ़ना है। इसमें बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं और भी आएंगे इंशाल्लाह आगे। जहां तक किसी की नौकरी से निकाला गया, ये नौकरी से खत्म होना, ये ट्रेंड खत्म होना, ये रूटीन की बात है। अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो जरूर वो उनको फ्रंट पे आना चाहिए, लेकिन उसको आप लिंक नहीं कर सकते किसी इदारे के बनने और उससे। तो मेरी तो एक प्रोफेशन एडवाइस ये होगी कि एक जो चीजें अच्छी हुई हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो चीजें गलत हो रही हैं उसको सजा जजा होनी चाहिए, और चीजें रुकती नहीं है। अगर चेयरमैन साहब, इसमें कुछ मौजूदा मुलाजमीन है, उनकी जॉब्स का स्टेटस क्या होगा? कुछ को निकाल दिया गया, वो अलग से कोर्स में जा रहे हैं? नहीं है, देखो देखो, इस वक्त तक नवीन साहब, इस वक्त तक हजारों की तादाद में उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लाइज हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ पे स्केल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। होता ही है कि जब भी कोई इस तरह की ऑर्डिनेंस नया बनता है तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो लोग ऑलरेडी सिस्टम के अंदर है उनके उनसे उनको जो चीजें उनके राइट्स है उससे कम नहीं होगा। ओके, वो हम भी गारंटी कराएंगे इंशाल्लाह, और हमने उसको प्रोटेक्ट किया है कि जो इस वक्त सिटिंग उनके एम्प्लाइज हैं, जिस जिस भी सैलरी स्ट्रक्चर पे हैं, उससे कम नहीं हो सकेगा उनको, अगर उनको शिफ्ट भी होना है यूनिवर्सिटी में, और अगर वो उससे कम ज्यादा ना हुए, कम बिल्कुल नहीं होंगे, ये तो मैं बिल्कुल आपको गारंटी कहता हूँ, ये कानून है, लॉ द लैंड है। हाँ, बाकी जो उनकी डिमांड थी कि इनको रेगुलराइज कर दिया जाए, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह अगर रेगुलर बैक डोर से रेगुलर होना शुरू हो गए तो फिर तो पाकिस्तान का रही आप फिर तो इस गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी, हमारा नहीं जाएगा। सही है। तो एनटीएस का आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से वहां बात हो रही थी कि चेयरमैन कमेटी ने भी कहा कि अगर इसका स्कैंडल खत्म ना किया गया तो उसको बैन कर देंगे, आपने एक पहले से टेस्टिंग काउंसिल बनाई है जो स्टूडेंट्स के पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए स्पेशली वो टेस्ट ले रहे हैं, तो इस सूरत हाल में और जैसे मोनोपोली की बात की जाए, देखिए मैं उसको एनटीएस एनटीएस एक अच्छे कार से बनी थी, लेकिन नेचुरली जब इनको पास पैसा खुला आ गया और चेक एंड बैलेंस कोई नहीं था तो ये दूसरे चक्रों में पड़ गए, तो इसको रीएडजस्ट करने की इनके बोर्ड में भी हमने कहा कि आप देखें अपने कानून के मुताबिक दें, और ये हो नहीं सकता ना कि सारी जहां के टेस्ट ये लेना शुरू कर दें, वो नहीं हो सकता, ठीक है। जो अपॉइंटमेंट के टेस्ट है ये इनका प्रोव्यू में था ही नहीं, वो आस्ता आस्ता जब आपके पास जो आपके पास पावर आती है और एब्सोल्यूट पावर आए तो फिर दूसरे वाले ना, तो फिर यही होता है, तो उसी को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि आपको मुझे बताया था कि ये प्राइवेट सेक्टर में चली गई थी वापस लाएगी और डिक्लेयर की ये गवर्नमेंट सेक्टर आ रहा है, और ये कॉन्सेप्ट का एक प्रोजेक्ट है, कॉन्सेप्ट को उसको खुद देख के उसको हैंडल करना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरों पे फैसला करें कि फलाना फैसला करेगा फलाना, ठीक है, कॉन्सेप्ट का एक सरकारी इदारे का प्रोजेक्ट है, उसको खुद हैंडल करना चाहिए। जी, थैंक यू वर्मा जी, चेयरमैन एचईसी हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना भी ये था कि एनटीएस जो है उसका कुछ ना कुछ फैसला होना जरूरी है, कि अगर यूनिवर्सिटी बन जाती है, यूनिवर्सिटी बनना उसके खिलाफ तो कोई भी नहीं है, लेकिन उससे पहले जो पहले से मसाइल मौजूद हैं, कामसेट से लोगों को निकाला गया है, कुछ लोगों को, कुछ खास मिनिस्टर के लोगों को रखा गया है वहां पे बगैर मेरिट के, और एनटीएस अगर मेरिट है और उस पे तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं। अपना मुझे बताइएगा शाहजहां साहब, साहिबा, कि ये पोजीशन ये है कि एनटीएस को ही मेरिट पे, अब चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि उसके 15 से खुफिया अकाउंट अलग से पकड़े गए हैं, मेरे पास ये पूरी डिटेल है, 3.25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का, टैक्स चोरी का इल्जाम इन पे मौजूद है, केस कोर्ट में मौजूद है, और उस सूरतेहाल में वो जल्दी जल्दी चले यूनिवर्सिटी बन जाए और लोगों को एडजस्ट कर लें। देखिए, अगर कॉम सिट से यूनिवर्सिटी से भी किसी को निकाला जा रहा है तो वो भी क्यों, उसकी कोई वजह तो बताएं, वो बंदे बेशक 3 महीने भी उसने वहां काम किए, हम उसको नहीं निकलने देंगे, हम उसको नहीं निकलने देंगे नवीद, सबसे बड़ी बात, वो हम हमारी स्टैंडिंग कमेटी, हमारे चेयरमैन साहब हैं, बड़े माफिया के खिलाफ डट खड़े हुए हैं, ये मतलब बिल्कुल खड़े हुए हैं, और आप इस चैनल के थ्रू ये मैसेज भी दें कि हम लोगों ने ही बुराई को खत्म करना होता है, और हमेशा से ही ऐसा ही हुआ है कि अगर 100 बंदे बुरे हैं तो उसमें से एक अच्छा है तो अच्छाई उसी के हिस्से में आती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम 400 लोगों के बराबर काम कर रहे हैं इस वक्त, और मेरा नहीं ख्याल कि कॉम सिड अगर यूनिवर्सिटी इनको निकाल रही है तो क्या में कामयाब नहीं होगी, हम नहीं होने देंगे, नंबर एक। नंबर दो, और ये मिनिस्ट्री साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी क्यों, एक 150 से ज्यादा बंदे हैं जो इसमें से लेबोरेटरी के निकाले जा रहे हैं, हम उनको भी नहीं, इसकी जबान, इसकी लैंग्वेज राणा तनवीर की लैंग्वेज से मिलती जुलती है, अभी आपने खुद इसके सुना, ये कह रहा है कि अगर एक बंदा गंदा है तो सारे गंदे नहीं है, मुझे बताएं जब कॉम सेट से आप मिनिस्टर साहब अपने स्पेशल बंदों को रख रहे हैं और वो बंदे जो सालों से काम कर रहे हैं 12 सालों से उसको निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी शफाफ और
صاف تحقیقات نہیں کی جا رہی, کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو ان کو دیکھے یا ان کو دیکھنے والا ہو. اس سے یہ پوچھیں کہ یہ جو لوگ تحقیق کریں گے, یہ ادارہ کا کون سا ڈیزگنیشن ہوگا جو تحقیق کرے گا؟ منسٹری کر سکتا ہے, سب سے ہائیلی منسٹر ہی ہوتا ہے, اس کے بعد پرائم منسٹر تک جب یہ بات جائے گی تب تحقیق ہوگی نا. اول تو یہ جانے ہی نہیں دیتے, اور شاید مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ہم چاروں کے چاروں کہیں اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہی نہ فارغ ہو جائیں. صحیح ہے, جو سچویشن یہ بنتی جا رہی ہے ہمارے کرائٹیریا, مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی, اگر اسپیکر صاحب نے نکال دیا وہاں پہ بھی سب سے زیادہ بول رہی ہے, اور انہوں نے کہنا ہے کہ بھئی آپ کیوں بول رہی ہیں, کیوں بول رہی ہیں, آپ چپ کریں. تو مطلب میں کوئی بچی نہیں ہوں میٹرک کی یا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں کہ وہ مجھے چپ کرائیں. میں نے ہوں لوگوں کے ہزاروں کروڑوں ووٹ سے یہاں آئی ہوں, جہاں غلط ہوگا وہاں اس چیز, جہاں وائلنس ہوگا اس کو ختم کیا جانا چاہیے. یہ پاکستان ہے, یہاں پہ بیڑا غرق تو کر چکے پاکستان کا, اور یہ اس طرح کے لوگ کیا کریں گے؟ یہ سارے لگائے گئے ہیں, یہ ان کے نیچے اس کو بھی منسٹر صاحب نہیں لگایا ہوگا, اس لیے یہ اس کی لینگویج بول رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا انٹرسٹ آف ایریا یہ کہ اپنی نوکری بچائے, بس بڑی بات ہے. تو یہ سارے آگے پیچھے یہی ہے. میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو ایکشن لے کے سب سے پہلے منسٹر کو الگ کرنا چاہیے. آئی ایم ناٹ اتھارٹی آف, میں تو کوئی اتھارٹی ہوں نہیں, میں ایک عاجز سی ایم این اے ہوں, اور وہ بھی اپنے حلقے کی سندھ کی نا, نوشیر و فیروز کی. تو میں تو یہی ان سے کہوں گی کہ نہ کامسٹ والوں کو نکالیں, نہ یہ 150 بچے جو ہیں ہماری لیبورٹری ٹیسٹنگ, ایک واحد کمپنی ہماری پاکستان میں جو پانی ٹیسٹ کرتی. اللہ کا واسطہ ہے, میں نے کہا ان کے بچے, ان کی بیویاں میرے پاس گھر پہ آئے رات کو, یقین کریں ان کی حالت یہ تھی کہ 50 روپے 4x4 تصویر کے دینے ہوتے ہیں. 50 روپے نہیں ہے اس کی بچی کے پاس کہ وہ جائے اور اسکول میں 4x4 تصویر بنائے. اور ایک گورنمنٹ کے سیکٹر میں پڑھنے والے بچے ہیں, ان کے پاس 50 روپے نہیں ہے, اور دو سال سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں, ان کی تنخواہیں بھی بند ہیں. ان کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ دوبارہ سے این ٹی ایس میں ٹیسٹ دیں. این ٹی ایس کیا ہے یار؟ میں کرواؤں گا آپ کو. کیوں ٹیسٹ دیکھیں؟ این ٹی ایس میں بھی تو پیسے دینے نا انہوں نے. این ٹی ایس ایک فیک ادارہ ہے. ایچ ایس سی, این ٹی ایس اور اس کے ساتھ کامسٹ, یہ سارے ایک ہی منسٹری کے پلو ہیں, اور اس کا منسٹر ایک ہی ہے. جس طرح اس نے یہ بندے نکالے, پھر کامسٹ سے نکالے گا, اس طرح ایچ ایس سی سے نکالے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, لیکن کسی طرح انڈر جاتا ہے نا, ونگس ہے نا, یہ ونگس بنی ہوتی ہیں, کسی بھی منسٹری کی ونگس ہوتی ہیں. اب دیکھیں, ایک آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دوں گی نوید, یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ایگزامپل ہے. اب منسٹری ہیلتھ ریگولیٹری کا جو منسٹر ہوتا ہے, وہ ہمیشہ سے, شروع سے ہی پاکستان کی ہسٹری میں, وہ ڈاکٹر ہوتا ہے, ایم بی بی ایس ہوتا ہے. اب پہلی دفعہ پہلی خاتون ہے سائرہ افضل تارڑ, جو کہ نان ڈاکٹر بھی ہیں اور منسٹر آف ہیلتھ ریگولیٹری کو چلا بھی رہی, جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ٹی بی اگر 7 دن تک ختم نہیں ہوتی, تھوکنے سے اسپریٹ ہوتی ہے, اور ٹی بی جو ہے وہ اس کے کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں, پولیو کیا ہے, پولیو ایڈکشن کیا ہے, پولیو کے کون سے نقصانات ہیں, پولیو میں سختی سے کام کرنا چاہیے, سب سے پیرٹی پہ وہ چیز رکھنی چاہیے پاکستان یہ جو معاملات ہیں. اچھا, آپ کو, آپ کے وہاں پہ علی محمد صاحب ہیں, عالیہ کامران ہیں, آپ ہیں, اور مزید کتنے لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی ریل نوید؟ بڑی مشکل سے ہم نے ان 3-4 ایم این ایز کو کنوے کیا, ہمارے جو ہیں اسٹینڈ سب کمیٹیز کی بنائی, لیکن یقین کریں کہ سب لوگ اتنا ہی ڈرے ہوئے ہیں, مجھ سمیت نا, کہ اگر ہم ایک اچھے کام کے لیے بھی قدم بڑھا رہے ہیں تو بھی ڈر کے, ایک جائز کام کے لیے ڈر کے. اور یہاں تو لوگ غلط کام دھڑو دھڑ کرتے ہیں, اور بڑی مشکل سے کنوے کیا سب کو کہ یار پلیز آپ اس فارم پہ آئیں. کہتے ہیں نہیں دیکھیں ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے گا, ہو سکتا ہے پاگل تمہیں اگر ہمیں اس اسٹینڈنگ کمیٹی سے الگ کر دیا. پھر میں نے کہا نہیں, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ توکل. میں نے کہا ہم اچھا کام کریں, نیک کام کریں, نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی اتھارٹی ہوگی. اگر ہمیں الگ بھی کر دیا تو ان کی نوکریاں تو ہو ہی جائیں گی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ایک اسٹینڈنگ کمیٹی گئی تو دوسری آ جائے. علی محمد صاحب کو بھی آپ کال پہ لیں, اور جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر اشرف, جو صاف منصوبہ پانی کا ہے, اس کے فارمر وہ چیئرمین بھی ہیں, وہ ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ کیا کچھ وہاں پہ ہوتا ہے, انہوں نے ٹریننگ کیسے دی, پوری ایک ٹیم بنائی, اور اس ٹیم کے بعد یہ پورے پاکستان کی لیبورٹریز بند کر دی گئی, ان کو لوگوں کو باہر بھیج دیا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے ویسے میڈم؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں وہی ہیں, وہ اپنی لوبنگ ایک لانا چاہتے ہیں. ہمارے جو ریسپیکٹڈ آنریبل منسٹر صاحب ہیں, مجھے بار بار یہاں کہنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سے ہاتھ ہیں جو اس کو سیف سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں جو اس کی منسٹری کو بچا رہے ہیں اور دوبارہ اس کے ہاتھ میں یہ وزارت دے دیے. تو ایک بندہ ہے اس غلط کام کے پیچھے پڑا, تو آپ اسے ان چیزوں کو الگ کریں, لیکن نہیں, کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی بھی کارروائی نہیں ہوتی. اور اس نے اپنی منسٹری پرانی چھوڑ دی ہے لیکن سائنس ٹیکنالوجی رکھی ہوئی ہے. سائنس ٹیکنالوجی بیسیکلی زاہد حامد کی وزارت تھی, تو زاہد حامد نے استعفیٰ دیا تو کسی اور کو بنا لیتے, تو ضروری تو نہیں تھا کہ رانا افضال کو ہی انہوں نے بنایا. پر اشرف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا بتائیے گا, یہ جو منصوبہ صاف پانی کا تھا, پی سی آر ڈبلیو آر کے جو موجود تھا, اس پہ کیا ہوا ہے؟ میرے ساتھ کانسرٹ ایکٹ کی بات ہو رہی تھی. اوکے اوکے اوکے, آئی گاٹ اٹ.
अच्छा आप मुझे बताइएगा, आप देख रहे हैं जो कॉमसेट्स के हवाले से जो यूनिवर्सिटी का बिल है उस हवाले से बात करना चाह रहे हैं? जी जी, मुझे बताइएगा यूनिवर्सिटी कॉमसेट्स के लिए आजकल बिल मौजूद है और मिनिस्टर साहब बड़े जल्दी जल्दी में लगे हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास मेंबर है नेशनल असेंबली से, उस कमेटी में मौजूद थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि पहले जो मुतासरा लोग हैं उनके मामला को हल किया जाए, लेकिन वो जल्दी में है, तो यूनिवर्सिटी एक्ट क्यों जल्दी बनाया जा रहा है और पहले से जो मुलाजमीन मौजूद हैं उस हवाले से आपके क्या तहफ़ुज़ात हैं? सर ये जो बिल है कॉमसेट्स एक्ट, इस बहुत ये फॉल्टी बिल है। इसमें सबसे पहले तो अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो ये बना हुआ है डिक्टेटोरियल माइंडसेट के ऊपर। इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक बंदा जो रेक्टर है उसके पास पूरी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी है, यानी वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सारी फाइनेंशियल पावर्स उसके पास है, टर्मिनेशन की, अपॉइंटमेंट्स की सारी पावर्स उसके पास है। जामियात या कोई भी अदारा इंडिविजुअल्स पे भी चलता होता है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडीज पे डिसीजन मेकिंग फोरम्स होते हैं, यानी अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज। जी बिल्कुल सही है। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम इसमें ये चाहते हैं, इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। ठीक है, इसमें एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें जो सेनेट सिंडिकेट एकेडमिक काउंसिल वगैरह हैं उनमें असातिज़ा की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ओके, नॉमिनेटेड है। देखिए जो बंदा नॉमिनेटेड होता है वो सबॉर्डिनेट होता है। ठीक, वो सबॉर्डिनेट होगा और सबॉर्डिनेट तो वही काम करेगा जो बॉस चाहेगा। इसमें इनकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसमें कितना बड़ा फ्लॉ है कि दुनिया जहां भी आप किसी यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं उनकी जो एकेडमिक काउंसिल है उसके अंदर यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर होते हैं। ठीक, इस एक्ट में टोटल उन्होंने 5 प्रोफेसर रखे हुए एकेडमिक काउंसिल में, बाकी प्रोफेसर को एकेडमिक काउंसिल के अंदर भी नहीं रखा हुआ। इसी तरीके से अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें रेक्टर की अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वो 5 साल के लिए है, रिन्यूएबल है, ठीक है, और उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। इसी तरीके से जो इसके बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक पोजिशन रखी है एलुमनाई की, ठीक है, अब ये कौन डिटरमाइन करेगा कौन सा एलुमनाई आया है? ठीक है, क्योंकि एलुमनाई एसोसिएशन होनी चाहिए, उसके जो बंदा इलेक्टेड हो वो आए। तो ये बिल्कुल बिल बहुत ज्यादा फॉल्टी है, इसके अंदर चेंजेस होने के बाद ही हम सजेस्ट करेंगे इसको कैसे यूनिवर्सिटी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, डेमोक्रेटिक नॉर्म से बननी चाहिए। बिल्कुल, जमहूरी दौर में भी अगर यूनिवर्सिटी डिक्टेटोरियल माइंड पर बने तो फिर जमहूरी क्या फायदा? बिल्कुल जी, बड़े सवाल आपने उठा दिए कि अगर जमहूरियत में भी ऐसी यूनिवर्सिटी में भी आप देखें कि इस तरह के पॉइंट्स से खुद जान के रखे जाते हैं। एक तो आप देखें मैडम, मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ यूनिवर्सिटीज हैं ये जितनी भी, इनमें वीसी भी जो है वो बेसिकली सियासी पोस्ट बनाई जाती है। फिर ये जो रेक्टर्स रखे गए हैं कि जी कोई आपकी एज लिमिट भी नहीं है, फिर सब कुछ है, फिर ये बहुत सी चीजें, अब ये सारा कुछ माफिया इतना बड़ा इन्वॉल्व हो गया है, आप इसके खिलाफ क्या लड़े और क्राइम खत्म हो गया मुझे बताएं कि अब नेक्स्ट देखिए नवीद, अब करना ये है हमने कि ये अब जो बंदा इसको एग्जाम लेता है वो भी नाइल निकला, सही है, एनटीएस, अब आ जाए कॉमसेट पर, उसमें भी एक आप देख रहे हैं नजर आ रहा है बड़ी पैमाने पे करप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे जा रहे हैं, हाँ जी आप इतने इतने पैसे देते हो तो ठीक है आई शुड कंफर्म व्हेन, वो गरीब का बच्चा किसको बेच के पैसे लाए मुझे बताएं ना, को क्या चीज बेचे तो वो पैसे लाए, नहीं देते हो तो फारिग। तो कहने का मकसद ये कि आप अपने गवर्नमेंट के बंदे उठाएं, कोई रिस्पॉन्सिबल बंदे उठाएं जो मेरिट पर इन बेचारों को जो सालों से काम करें इनको तो कन्फर्म करें, और न्यू पोस्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है वो हर हर अखबार में होनी चाहिए, जो जो बेशक वो 2 रुपए वाला हो या 10 रुपए वाला अखबार हो पूरी पूरे पाकिस्तान में, उसके बाद लोग अप्लाई करें, वो शॉर्ट लिस्ट उनकी मेरिट के मुताबिक उनके टेस्ट हो। कॉमसेट एक वाहिद एक अच्छा इदारा है जिसका नाम अगर हम चेंज करेंगे तो यूनिवर्सिटी ही खत्म हो जाएगी। आप जो अगली मीटिंग आप करने जा रहे हैं, जो सब कमेटी आपकी बनी है जिसमें आप भी हैं, अली मोहम्मद हैं, आलिया कामरान हैं और मिस्टर लाल चंद माली हैं, क्या आपके पास इतनी अथॉरिटी होगी आप डिसीजन लेके उनको बताएंगे? अथॉरिटी तो मेरे पास सिवाय खुदा के इतना कोई खास पुशअप नहीं है, हम 4 बंदे हैं आपस में, लेकिन जोर लगाएंगे कि इन सबको जो है ना इधर कंफर्म करवाएं मिनिस्ट्री के अंदर ही ना। एक लेबोरेटरी है, 150 से ज्यादा बंदे, 158 पीपल्स जो कि नॉन कस्टेड है उनको तो परमानेंट करें, बाकी रही बात 20 ग्रेड और 19 ग्रेड और 17 ग्रेड वाली तो वो पीएम साहब के पास चले जाएंगे कि भाई अगर आप ये 13 साल से मुझे बताएं इन बेचारों का कसूर क्या है, इनकी उम्रें देखें, ये
کس جگہ جا کے اپنا رونا روئیں گے, یہ پاکستان ہے, یہ پاکستانی ہے. یا آپ کو بھی اگر اگلی دو چار کمیٹیوں میں خاموش کروا دیا گیا, آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے نہیں کروا دیا جائے گا, کروایا نہیں, کروا دیا گیا نہیں ہے, وہ ہوگا, وہ میرے ساتھ جو بھی ہوگا وہ نقصان ہوگا, مجھے پتا ہے ڈیمیج کیا جائے گا, لیکن میں فائٹ کروں گی, مجھے ان کے بیچاروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہ ہوں اس طرح کے 10 اور کیسز بھی ہوں تو میں مرتے دم تک ان چیزوں کو فائٹ کروں. تھینک یو ویری مچ جی. ناظرین, ایسے لوگ بھی موجود ہیں, پارلیمنٹ کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کر رہے, کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو عوام کی بات کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی کمیٹیز میں کیا ریئل ایشو جو عوام کے وہاں پہ موجود ہیں, جتنے وہاں پہ ٹیکنیکل لوگ ہیں, نان ٹیکنیکل لوگ ہیں, لیکچررز ہیں, پروفیسرز ہیں, جنہوں نے 10-10, 15-15 سال اپنی زندگی کے دے دیے اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ جا سکتے ہیں, اور نئے لوگوں کے لیے بھرتی بھی وہ ادارہ کر رہا ہے جس کے جو ایک نااہل شخص کے پاس رکھ کر, تو یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. اور منسٹری ہے جناب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہے, اور منسٹر ہیں جناب, آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہو کے آئے ہیں اور ان کو یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے. اس پہ نیکسٹ میں دوبارہ پروگرام کروں گا. بہت شکریہ. تب تک کے لیے نوید ستی کی وجہ دیجیے, اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. تھینک یو, اللہ حافظ.